से तो काम के सिलसिले में गांव से शहर में लिफ्ट लेकर आता है, पर पैसे कम होने से उसे पुराने घर में भाड़े पर रहना पड़ता है, जहां उसे एक खाली कमरे में एक रेड बॉक्स दिखाई देता है जिस पर डोंट ओपन लिखा था। पर सेरो ओपन कर देता है जिसमें से दो पेपर और एक पेन निकलता है जिस पर लिखा था, अपना नाम लिखो वरना टी शर्ट फट जाएगा और कल ओपन करना। सेरो मजाक समझकर बिना नाम लिखे ही चला जाता है और अगले दिन देखता है तो उसकी टी शर्ट चूहे ने काट दिया था। अब सेरो फटाफट फिर उस बॉक्स के पास जाकर बॉक्स खोलता है तो आज लिखा था गमले में पानी डालो वरना फोन टूटेगा। सेरो फटाफट जाकर गमले में पानी डाल देता है और अगले दिन बॉक्स खोलने पर उसे पूरा बॉक्स पैसे से भरा मिलता है। इस तरह सेरो कई दिनों तक पैसे कमाता है, पर ये शायद बहुत बड़ी गलती थी। आज लिखा था सोफिया नाम की लड़की को मारो वरना पापा इन डेंजर। सेरो की धड़कन मानो थम सी गई थी और कुछ नहीं समझ आता। सेरो फटाफट हथौड़े से बॉक्स को तोड़ देता है, पर अगले दिन उठते ही गांव से कॉल आता है और पता चलता है कि उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया है। सेरो दौड़ते हुए बॉक्स के पास जाता है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि बॉक्स पहले की तरह ही ठीक हो गया था। पापा की जान बचाने के लिए सेरो को दोबारा बॉक्स खोलना ही पड़ता है जिसमें लिखा था अपने भाई को मारो वरना मम्मी मरेगी। सेरो के पसीने छूटने लगते हैं और आंसू रुक ही नहीं रहे थे। तभी सेरो भागते हुए सेरु बाबा के पास जाता है और रोते हुए सारी बातें सेरु बाबा को बताता है। सेरु बाबा घर आकर बॉक्स को खोलते हैं जिसमें लिखा था, शहर छोड़ दे वरना तू मरेगा। सेरु बाबा अपने ज्ञान से जादुई मंत्र पढ़ते हैं जिससे द रेड बॉक्स को मंत्र से लॉक कर देते हैं और सेरु को गलती से भी बॉक्स को खोलने से मना करते हैं। और रात को डरा सहमा सेरु बेडरूम में सो जाता है और अचानक सेरु रात को मानो किसी के वश में होकर अपने आप चलने लगता है और जाकर रेड बॉक्स को ओपन कर देता है। सेरु रोते हुए सेरु बाबा को फोन लगाता है, तब पता चलता है सेरु बाबा का घर गिरने से थोड़ी ही देर पहले मौत हो गई। सेरु को कुछ समझ नहीं आता और पागलों की तरह अपना बाल नोचने लगता है और तभी सेरु को बॉक्स के पास एक पेपर पड़ा दिखाई देता है जिसमें लिखा था रोज बॉक्स खोलना पड़ेगा वरना सब मरेंगे। सेरु को कुछ समझ नहीं आता और रोते हुए किचन में जाता है और बेचारा चाकू से खुद को ही मारने जा रहा था, पर अचानक वो डिसाइड करता है कि वो अपने मम्मी को बचाएगा और सेरु चीखते हुए शहर के रोड पर दौड़ने लगता है और तभी उसे वहीं से आता हुआ लोमरू दिखाई देता है। सेरु रोते हुए फुटपाथ पर पड़ी लकड़ी को उठाता है और पूरी ताकत लगाकर जोर से फेंकता है और सीधा लोमरू को लगता है और लोमरू गिर जाता है। सेरु जल्दी से रोते हुए लोमरू के स्कूटर को उठाता है और स्कूटर को फुल स्पीड में रोड पर भगाने लगता है जिससे कुछ समय में ही गाँव के पास पहुँच जाता है। पर कंकड़ वाले रोड की वजह से स्कूटर का टायर फिसल जाता है और सेरु बहुत बुरी तरह रोड पर गिर जाता है। तभी बारिश होने के साथ सेरु बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर में ही चिट्टू बाबा सेरु को ले जाते हुए दिखाई देते हैं और अपने आश्रम में जाकर बारिश में उसका इलाज करते हैं। कुछ देर में सेरु को होश आते ही चीखने लगता है। तब चिट्टू बाबा सेरु को सब कुछ बताते हैं कि सेरु बाबा ने मुझे कॉल करके रेड बॉक्स के बारे में बताया था और कहा था अगर मैं ना रहूं तो सेरु नाम के लड़के को ढूंढना। सेरु रोते हुए बताता है कि उसकी मम्मी की जान खतरे में है। तब चिट्टू बाबा एक जादुई लाल पाउडर सेरु को देते हैं जिसको बॉक्स पे डालते ही उसमें की आत्मा बाहर आ जाएगी, पर तुम्हें यहाँ लाना होगा तभी मैं उसको मार पाऊंगा। तो सेरु कहता है जब तक मैं जाऊंगा तब तक तो सुबह हो जाएगा। तब चिट्टू बाबा हजारों आत्मा को कैद की हुई शैतानी बाइक को निकालते हैं जिसको सेरु फुल स्पीड में चीखते हुए भगाता है और सिर्फ मिनटों में ही अपने घर पहुंच जाता है। सेरु फटाफट लाल पाउडर को बॉक्स पर डाल देता है। तभी सेरु चौंक जाता है क्योंकि उसमें से तेज रोशनी निकलती है और देखते ही देखते बॉक्स में से डरावनी हंसी के साथ चुड़ैल निकलती है और वही खड़े होकर सेरु को घूरने लगती है। सेरु डर के मारे कांपते हुए चीखने लगता है। तभी चुड़ैल तेजी से सेरु के पीछे दौड़ने लगती है। सेरु दौड़ते हुए सड़क पे आ जाता है पर तभी याद आता है कि बाइक तो पीछे घर पर ही रह गया। सेरु पीछे मुड़ के देखता है तो चुड़ैल उसके पीछे ही थी। तभी वही लोमरू दवा लेकर साइकिल से जाता हुआ दिखाई देता है। सेरु जल्दी से रोड पे पड़े पत्थर को उठाता है और जोर से फेंक कर लोमरू को वही साइकिल से गिरा देता है। सेरु साइकिल उठाकर तेजी से वहां से भागने लगता है पर चुड़ैल सेरु का पीछा छोड़ ही नहीं रही थी जिससे पीछा करते करते चुड़ैल आश्रम के पास पहुंच जाती है। वही चिट्टू बाबा एक पेड़ पे खड़े होकर आग वाला तीर चलाते हैं जिससे चुड़ैल कैद हो जाती है, पर फिर भी वो हंसती रहती है और देखते ही देखते आग के घेरे को हवा में उठा लेती है और अपने पीछे आग के घेरे को ले जाती है। तभी हाथ फैलाते ही पूरा आग टुकड़े होकर गाँव को जला देती है, जो देख कर तो चिट्टू बाबा के भी होश उड़ जाते हैं। चिट्टू बाबा चिल्ला कर छुपने को बोलते हैं क्योंकि वो कहीं से भी हमला कर सकती है।
होती है और बाबा चीखते हुए चुड़ैल की तरफ दौड़ते हैं और उछल कर चुड़ैल को एक जोरदार पंच मारते हैं, पर भागते हुए जाकर एक घर में छुप जाते हैं। तभी चुड़ैल दीवार तोड़कर घर में घुस जाती है और अचानक चिट्टू बाबा उछल कर पूरी ताकत से पंच मारते हैं, जिससे चुड़ैल दीवार तोड़ते हुए बाहर निकल जाती है और हवा में चीखते हुए दूर फेंका जाती है और धड़ाम से जाकर एक पेड़ से जोर से टकरा कर रुकती है। तभी चिट्टू बाबा शेरू को कुछ इशारा करते हैं, जो देखकर शेरू डर के मारे टेंशन में आ जाता है। पर तभी चुड़ैल उठकर हाथों से जादू करती है और अचानक एक बड़ा सा पेड़ बाबा के ऊपर गिर जाता है, जिससे बेचारे चिट्टू बाबा वहीं तपन हो जाते हैं और चुड़ैल हर घर में अब शेरू को ढूंढने लगती है। तभी शेरू एक बोतल पर पीला पाउडर छिड़कता दिखाई देता है। असल में चिट्टू बाबा ने देकर बोला था, कोई चारा ना बचे तभी इस्तेमाल करना, क्योंकि इसका परिणाम बहुत बुरा भी हो सकता है, जिससे चुड़ैल कैद होने के लिए बोतल में खिंचाने लगती है। पर अचानक चुड़ैल अपनी शैतानी शक्तियों का इस्तेमाल करती है और अचानक बोतल वही टूट के बर्बाद हो जाती है। अब चुड़ैल तेजी से शेरू को मारने पास आ रही थी। शेरू घबरा कर यहाँ वहाँ देखता है, पर ऐसी कोई चीज नहीं दिखती जिसमें कैद कर सके। तभी शेरू सारे जादुई पाउडर को खुद पे ही गिरा लेता है, जिससे अब चुड़ैल तेजी से शेरू की तरफ खिंचाने लगती है और चीखते चिल्लाते हुए लाल धुएं में बदल जाती है और पूरी की पूरी शेरू के अंदर ही कैद हो जाती है, जिसके बाद शेरू अपने मम्मी से मिलने जाता है और बेचारा थका हारा वही मम्मी के घर में सो जाता है। पर क्या ये सिर्फ अभी शुरुआत था?